हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आप सभी का आज के कोई वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक और नया टॉय कार बनाने वाले। तो दोस्तों, हम लोग का जो टॉय कार है वो एयर पावर्ड होने वाला है, मतलब हम लोग का जो कार है वो हवा की मदद से चलेगा। तो दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, तो वीडियो का एंड तक देखते रहिएगा। तो दोस्तों, हमारे एयर कार को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह के दो मैच बॉक्स ले लिए। तो दोस्तों, इन दोनों मैच बॉक्स को हम लोग कुछ इस तरह से चिपकाएंगे। तो दोस्तों, इनको चिपकाने के लिए मैं यहाँ पर फेविक्विक का यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहे तो इसको फेविकॉल या फिर हॉट ग्लू की मदद से भी चिपका सकते हो। तो दोस्तों, इनको चिपकाने के बाद ये हम लोग का कुछ इस तरह से दिखेगा। अब दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक और मैच बॉक्स ले लिया। तो दोस्तों, इस मैच बॉक्स के अंदर से हम लोग तीली को निकाल लेंगे। उसके बाद हमें इस वाले पार्ट की अभी ज़रूरत नहीं है, इसको हम लोग हटा देंगे। और हम लोग का जो मैच बॉक्स है इसको हम लोग कट करेंगे। तो यहाँ पर मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि आप लोग को किस तरह से कट करना है। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरह से आपको इसको कट करना है। ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। तो दोस्तों, जब आप लोग इसको अच्छी तरह से कट कर लोगे, फिनिश कर लोगे, तो ये आप लोग का कुछ इस तरह से दिखेगा, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। अब दोस्तों, इसका जो दूसरा वाला पार्ट था मैच बॉक्स का, ये वाला, इसको दोस्तों हम लोग ले लेंगे और इसको हम लोग कट कर लेंगे साइड साइड से। इसका बीच वाला हिस्सा हम लोग ले लेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले मैं इसको जल्दी जल्दी हटा लेता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने इसका ये वाला पार्ट ले लिया है। तो दोस्तों, इसको हम लोग कुछ इस तरह से आगे वाले साइड में चिपकाएंगे, जहाँ पर हम लोगों ने इसको कट कर दिया था। तो सबसे पहले मैं इसको इसके साइज़ का पहले कट कर लेता हूँ, फिर मैं आप लोग आगे दिखाता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने इसके साइज़ का इसको कट कर लिया। सिंपल से हम लोग कुछ इस तरह से यहाँ पर इसको रखेंगे और इसको हम लोग फेविक्विक की मदद से चिपका कर फिक्स कर देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, पहले मैं इसको अच्छी तरह से फिक्स कर लेता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरह से इसको फेविक्विक की मदद से काफ़ी अच्छी तरह से चिपका कर फिक्स कर दिया। और हाँ दोस्तों, अगर आपके पास फेविक्विक नहीं है तो मैंने आपको पहले बता दिया, आप इसको जगह पर फेविकॉल या फिर हॉट ग्लू का भी यूज़ कर सकते हो। अब दोस्तों, हम लोगों ने जो बोले यह कट किया था, इसको हम लोग कुछ इस तरह से यहाँ पर चिपका देंगे अपने दोनों मैच बॉक्स के बिल्कुल बीचों बीच में, यहाँ पर हम लोग इसको चिपका देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने कुछ इस तरह से काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पर इसको चिपका दिया है। तो दोस्तों, ये हम लोग का कुछ इस तरह से दिखेगा। अब दोस्तों, यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह के दो छोटे छोटे स्ट्रॉ ले लिए, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। तो दोस्तों, आप इसके स्ट्रॉ की जगह पर आप किसी पेन का बॉडी का भी यूज़ कर सकते हो, उससे भी ये काम चल जाएगा। तो दोनों स्ट्रॉ का हम लोग कुछ इस तरह के इसके आगे और पीछे वाले साइड में हम लोग यहाँ पर इसको चिपका देंगे, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह के यहाँ पर मैंने व्हील्स ले लिया है। तो दोस्तों, ये वाला कार्डबोर्ड का व्हील्स मैंने खुद से अपने घर पे ही बनाया है। तो दोस्तों, इसका वीडियो भी मैंने बनाया, आप लोग अपने चैनल पर, मतलब हमारे चैनल पर जाके इसको देख सकते हो। बहुत ही ईजी तरीके से मैंने इन व्हील्स को भी बनाया है। तो दोस्तों, इन दोनों व्हील्स को हम लोग कुछ इस तरह से लेंगे और इनमें हम लोग एक के पेन के रिफिल को डाल देंगे। और पेन के रिफिल को डालने के बाद हम लोग का जो कार है उसमें हम लोगों ने जो स्ट्रॉ लगाए थे, उन स्ट्रॉ के अंदर से हम लोग कुछ इस तरह से अपने इस व्हील को डालेंगे और दूसरे साइड से भी हम लोग दूसरे व्हील को यहाँ पर इस तरह से लगा देंगे। तो दोस्तों, हम लोग का जो ये व्हील्स है ये काफ़ी अच्छी तरह से वर्क करता है, आप लोग इसको अपने चैनल पर जाके देख सकते हो। तो दोस्तों, ये कुछ इस तरह से हम लोग को घूमेगा। चलिए दोस्तों, हम लोग इसको बिल्कुल पीछे वाले साइड में भी उसी तरह से व्हील्स को लगा लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं इसको ले लेता हूँ, फिर एक रिफिल ले लेता हूँ और इसको कुछ इस तरह से मैं यहाँ पर इसमें डाल दूंगा और सिंपल से यहाँ पर मैं दूसरे साइड में भी अपने व्हील्स को लगा दूंगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरह से यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से दोनों साइड से व्हील्स को लगा दिया है। तो दोस्तों, व्हील्स को लगाने के बाद हम लोग का जो कार है वो बन के रेडी हो चुका है कुछ इस तरह से, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ये कितना ज़्यादा मज़ेदार बना है, कितना ज़्यादा फ्रीली ये चल भी रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इसको चलाने के लिए इसके इंजन को बनाएंगे, जो कि दोस्तों बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो वीडियो को आप लोग एंड तक देखते रहिएगा। तो दोस्तों, इसके इंजन को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक स्ट्रॉ ले लिया है। तो दोस्तों, इस मैच बॉक्स के साइज़ से हम लोग थोड़ा सा इसको बढ़ा लेंगे, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। और हाँ दोस्तों, अगर आपके पास स्ट्रॉ नहीं था, आप इसके जगह पर पेन का बॉडी का भी यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने स्ट्रॉ को कट कर लिया। अब दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक प्रोपेलर ले लिया। दोस्तों, ये मैंने मार्केट से 2 रुपया में खरीदा है। दोस्तों, ये थोड़ा सा बड़ा है तो यहाँ पर मैं इसको कट कर लूँगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपके पास ये वाला प्रोपेलर नहीं है तो मैंने प्रोपेलर कैसे बनाते इसको फिर भी वीडियो बनाया, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। तो आओ दोस्तों, मैं आप लोग को एक और जानकारी वाला बात बताना चाहूँगा। आपको मेरे चैनल पर बहुत ही ज़्यादा सिंपल टॉयज देखने को मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरह से प्रोपेलर को कट कर लिया है। अब दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक छोटा सा मोती ले लिया है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। तो दोस्तों, इस मोती में यहाँ पर मैं एक निडल को कुछ इस तरह से इसके होल से पार करूँगा। तो दोस्तों, यहाँ पर इस निडल को इस मोती के अंदर से पार करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक रबर बैंड ले लिया है। तो दोस्तों, इस रबर बैंड को हम लोग कुछ इस तरह से इस धागे में बांध देंगे। इसमें बांधने के बाद दोस्तों, इस रबर बैंड को हम लोग अपने मोती के होल के अंदर से कुछ इस तरह से यहाँ पर इसको निकाल लेंगे। दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल ये प्रोसेस है जिससे आप किसी भी मोती के अंदर से किसी रबर बैंड को पार कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर हम लोग इस धागे को यहाँ से हम लोग कट करके हटा देंगे और यहाँ पर हम लोग का ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब दोस्तों, इस रबर बैंड को हम लोग थोड़ा सा अंदर की ओर खींच लेंगे और इस तरह से खींचने के बाद दोस्तों, यहाँ पर हम लोग इसको फेविक्विक की मदद से चिपका के फिक्स कर देंगे, नहीं तो दोस्तों बाद में ये निकल जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पर इसमें फिक्स कर दिया है। तो दोस्तों, ये हम लोग को कुछ इस तरह से दिखेगा। अब दोस्तों, हम लोगों ने जो अपना प्रोपेलर लिया था, इस प्रोपेलर में हम लोग कुछ इस तरह से इस मोती को चिपका देंगे सिंपल से। दोस्तों, इसको चिपकाने के लिए भी मैं यहाँ पर फेविक्विक का यूज़ करूँगा।
तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने कुछ इस तरह से यहाँ पर इसको भी चिपका दिया। तो दोस्तों ये हम लोग का कुछ इस तरह से दिखेगा। अब दोस्तों हम लोगों ने जो स्ट्रॉ लिया था दोस्तों हम लोग उस स्ट्रॉ को ले लेंगे और इस स्ट्रॉ में हम लोग इस रबर बैंड को कुछ इस तरह से एक साइड से हम लोग इसको डालेंगे और दूसरे साइड से हम लोग इसको निकाल लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैं कुछ इस तरह से यहाँ पर इसको निकाल लेता हूँ। जब दोस्तों ये नहीं निकलेगा तो आप इसको किसी चिमटे की मदद से या फिर किसी पेन की रिफिल की मदद से भी इसको निकाल सकते हो। और दोस्तों इसको निकालने के बाद यहाँ पर हम लोग इसके दूसरे साइड से इसको बंद कर देंगे ताकि ये रबड़ उस पार ना चला जाए। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरह से इसको कर दिया है। तो चलिए दोस्तों अब मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि आप लोग का इंजन किस तरह से वर्क करेगा। सिंपल से जब आप इसको किसी एक साइड में रोटेट करोगे उसके बाद जैसे आप दोस्तों इसको छोड़ोगे काफ़ी फ्रीली और काफ़ी तेज़ी के साथ ही आप लोग का घूमने लगेगा जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। तो दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा आप लोग का भी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। अब दोस्तों सिंपल से हम लोग अपने इंजन को अपने कार में लगाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग एक होल बनाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने सोल्डिंग आयरन की मदद से मैं एक होल बना लिया। अगर आपके पास सोल्डिंग आयरन नहीं है तो आप इसको कैंची की मदद से भी होल को बना सकते हो। सिंपल से इस होल में हम लोग कुछ इस तरह से अपने प्रोपेलर को लगा देंगे और कुछ इस तरह से इसको भी फेविक्विक की मदद से चिपका कर फिक्स कर देंगे। तो दोस्तों इसको करने के बाद हम लोग का जो कार है वो बन के रेडी हो चुका था। चलिए दोस्तों हम लोग इसको अच्छी तरह से टेस्ट करके देखते हैं कि हम लोग का किस तरह से वर्क करता है। तो सिंपल से इसको चलाने के लिए आप लोग को इसको घुमा लेना है और सिंपल से आपको इसको छोड़ देना है। तो दोस्तों ये देख सकते हो ये कितना ज़्यादा मज़ेदार है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। तो दोस्तों इसके साथ खेलने में आप लोग को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो दोस्तों अगर आप लोग को ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, उसके साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।